अपनी शिकायत रणदीप सिंह हीर एस डी एम नकोदर मेरे को अडिशनल चार्ज शाहकोट का है तो पंजाब सरकार के मानयोग सी एम साहब की हदायतों मुताबिक जो शिकायत निवारण कैंप लगाए जाने से उस मुताबिक ही अज्ज शाहकोट 24 फरवरी नगर कौंसल दफ्तर शाहकोट विखे शिकायत निवारण कैंप लगाया गया है जिते कि सारे ही विभाग बुलाए गए हैं जिहड़े तां लोगों को कोई भी अगर समस्या हैगी है तो इत्थे आके सारे विभाग इत्थे बैठे ने अपनी समस्या को दस सकते हैं तो उसका जल्द तो जल्द निपटारा किया जाएगा। तो सर जिहड़े बस स्टैंड सीगा ये अगे भी बस स्टैंड दीआं चार दुकानां किराए ते चढ़ियां पर जिहड़ियां चार दुकानां किराए ते चढ़ियां वा उहनां दे विच बाकी सारियां दुकानां खुल्लियां पईआं वा मंडी बनाई गई आ बस स्टैंड दे विच की ये सही है सर? ठीक है जी, उहदे असीं कमेटी दफ्तर अज्ज वी ये पॉइंट रेज़ होया सीगा ते कमेटी नूं कहा गया हैगा इस संबंधी जिहड़ा वी है प्रपोजल तैयार करन जां तां ठेके ते चढ़ाउण वास्ते जां इहदे होर वी किसी तरीके नाल इहनूं वधिया तरीके नाल रख रखाव कीता जा सके उस संबंधी जल्दी कार्रवाई कीती जाए। नगर कौंसल दफ्तर विखे एक मैगा कैंप लगाया गया है, कैंप जरा मानयोग डी सी साहब हदायतों के अनुसार लगाया गया क्योंकि मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब उन्होंने दिशा निर्देश दिए सन कि प्रशासन जरा वो शहर पिंड जाके कैंप लगाए लोगों दिया जो दुख तकलीफा उन्होंने सुने उन्हों का मौके पर जिन्ना निपटारा हो सकता है कोशिश यही हुई कि मौके पर निपटारा हो जाए नहीं तो तुरंत प्रभाव के नाल कोई शिकायत ने कोई सुझाव ने उन्होंने उत्ते कार्रवाई हो सके। सो अज इतने असी शाहकोट इकट्ठे हुए हैं नगर कौंसल दफ्तर इस वास्ते सारे महकमे जोड़े है उन्होंने वालों नुमाइंदे इतने आए हैं उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज आए हैं मैं कैंप का हमने जायजा लैके आया तो बहुत खुशी हुई मैं देखी कि लोगों उत्साह है लोगों जोश है वो इतने हम हमा के आ रहे हैं तो बहुत सारे मसले जोड़े मौके के उत्ते भी जो हल किए गए हैं जिहड़े मौके के उत्ते हल नहीं हो सके या कुछ लोगों के पुराने मसले जोड़े जिमें कह रहे हैं वो अभी काफ़ी विस्थारपूर्वक विचार वटांदरा होया कि उन्होंने पॉजिटिवली ये देख रहे हैं कि असं किमें हल कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों के फंड चाहिए ने कुछ चीज़ों के टैक्नीकल इशू होंगे ने बट आस करते हैं कि वह भी जल्दी जोड़े है वो निपटारा उन्हों का भी हो जाएगा। एक मैं अपील भी करनी चाहवागा मीडिया के राही सारे लोगों कि ऑनलाइन सेवावान सरकार वालों बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही ने सेवा केंद्र से कई बार सू की लड़ भी नहीं है जे सू उस ऑनलाइन सर्विस में घर बैठ के असी अपने मोबाइल तो अपने लैपटॉप तो कि जे सू नहीं आता अभी अपने बच्चों के नाल तालमेल करिए उन्होंने उत्साहित करिए क्योंकि नौजवान बच्चे ने वो ये काम बड़ी जल्दी सीख सकते हैं कि वो कला अपना ही नहीं या अपने परिवार का ही नहीं अपने सगे संबंधियों का अपने गली महल्ले अपने सारे लोगों बच्चे जोड़े ने नौजवान जोड़े ने वो अपने कंप्यूटर सर्विसिज जारिया अवेल करके ऑनलाइन सर्विसिज अवेल करके तो लाभ दे सकते हैं तो वो मोहरे भी बन सकते हैं सारे। इस संबंधी असी जिला सिक्ख्या अफसर उन्होंने भी गल की है जिते अज मैं शाहकोट आया इन्होंने ब्लॉक जो एजुकेशन ऑफिसर उन्होंने भी असं कहे कि अपने सरकारी स्कूलों से जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के स्पैशल कैंप लगा दिए जा सेवा केंद्र के नाल तालमेल करके ताकि जोड़ा साडा सेवा केंद्र के आन जान का समा मैं कहना वह भी ना खराब हो। वैसे तो सेवा केंद्र के आने असी सू तुरंत सर्विसिज मिल जाएँ ने पर घरों ही ना सू आना पे आप घर बैठ के ही अपना जोड़े सेवावान लै सकते इस तरह ही वोटर कार्ड है जिमें बंदा घर बैठ के अपने मोबाइल तो ही अपलाई कर सकता बैंक वाले ने भी अच्छा किया हो घर बैठ के ही सारिया सेवावान लै सकते हो इस तरह ही सरकारी सेवावान भी सारी जी। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच तुम मैं टाइम दिता है अज जी वर्कशॉप अपनी लगी है पंजाब सरकार वालों लाई गई है सानू बहुत माण महसूस हो रहा है असी लोगों पब्लिक न सारे दो दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी सी जिन्हों प्रॉब्लम्स है जिन्हों जो भी मुश्किल पेश आ रही हैं वो आके आके अपने काम करवा सकते हैं। सानू बड़ी खुशी है लोगों ने सानू बहुत अच्छा रिस्पोंस दिता है
सारे डिपार्टमेंट के वक्रे वक्रे टेबल लगे हुए सी, सारिया ने आके अपना जो भी काम, जे किसी का मौके पर काम होया तो असी मौके पर काम करने की कोशिश की है, जे किसी का काम अजे थोड़ी देर थोड़ा कोई लंबा प्रोसीजर से वो वास्ते असं थोड़ा जो वेट करने को कहा, असी काम की शुरुआत कर दी है। सारिया ने साडा बहुत सहयोग दिता, पुलिस प्रशासन ने, पत्रकार भाईचारे ने, मीडिया वाले ने बहुत साडा अच्छा सहयोग दिता है। तो साढ़े वास्ते बड़ी एक खुशी की गल भी कह सकते हैं, तो बड़ी हैरानी की गल भी कह सकते हैं कि साडे मौजूदा जिहड़े MLA साहब आ साढ़े गुरदेव सिंह जी लाडोवाल शेरोवालिया, तो उन्होंने आके भी मौके पर मुआयना किया कह सकते हैं, जो अपनी दिखा आए थे भी असी भी असी सरकार दे विच हैगे आ, साडी इत्थे समझो एक किस्म का उन्होंने अपनी हाजिरी भरी है। तो आके उन्होंने भी ऑफिसर साहबान के नाल गल्लां कीतियां, उन्होंने भी कहा भी काम तुसी वधिया तरीके दे नाल करो, हालांकि पहला उन्होंने सरकार से काम जिहड़े रुके पै सी, तो सरदार रतन सिंह ने भी उन्होंने गल का पूरी तरह जवाब दिता है, पूरी टक्कर उन्होंने दी है, पूरे वधिया तरीके दे नाल उन्होंने समझाया है कि काम जिहड़े हुए आ वधिया नहीं हुए, थोड़े बिल्कुल काम वधिया नहीं हुए। उन्होंने बड़िया सोहणियां उदाहरणां भी दित्तियां है कि एक लाड़ा लाड़ी नूं विआह के लिया तो काम जिहड़े होने से सारा काम तो खत्म ही हो गया, लाड़ी नूं घर लियाउण तों पहले सारा काम खराब हो चुका सी। उन्होंने कहण का मतलब सी मटीरियल वधिया नहीं लगा, उन्होंने कहण का मतलब सी काम वधिया नहीं होए। चाहे वीर जी ने जिहड़े साडे कांग्रेस दे MLA साहब उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने काम वधिया नहीं किया जां कारीगर ने काम वधिया नहीं किया, किसी भी तरह उन्होंने बहुत सारी तरह वधिया तरीके दसन की कोशिश की है भी एदा कसूर एदा कसूर एदा कसूर, पर कसूर साड़ा जिहड़ा वड्डा घर का वड्डा हुंदा मुखी हुंदा उहदा कसूर हुंदा, क्योंकि काम सारा वधिया उन्ने करवाना हुंदा है, तो जिहड़ा काम गलत होया उहदे वास्ते जिम्मेवारी लैण की बजाय असीं एक दूसरे ते दूषण ला रहे हैं, दूषण लाउण की बजाय सानू रल मिल के काम वधिया तरीके नाल करना चाहिए, सानू अपने शाहकोट वास्ते वधिया तरीके दे नाल काम करना चाहिए, शाहकोट नूं ते लोकां नूं खुश करन वास्ते, शाहकोट की तरक्की वास्ते, शाहकोट वास्ते अगे वधाउण वास्ते सानू सारिआं नूं ही रल मिल के हमला मारना चाहिए।